क्योंकि ये सारी एकेडमिक रिलेटेड गतिविधियां, चाहे वो शिक्षक प्रशिक्षण की हो या सामग्री का प्रेषण हो, ये सभी चीजें आपके माध्यम से ही स्कूलों तक, क्लासरूम्स तक पहुंचनी है। इसीलिए मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इन इस सेशन को भलीभांति सुन लें, समझ लें। जो आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर हो रहे हैं उसको आप अध्ययन कर लें, और उसके पश्चात अपने ब्लॉक के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र के लिए विस्तृत कार्य योजना, माइक्रो प्लान बना लें और उसी अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। हमने गत कुछ दिनों में काफी निर्देश दिए हैं, चाहे वो ई पाठशाला के संबंध में विस्तृत निर्देश हो, ई मेंटरिंग के संबंध में हो, और नियमित बच्चों का असेसमेंट और सपोर्ट के बारे में। ये सब निर्देशों को समाहित करते हुए आज प्रस्तुतिकरण हो रहे हैं। इसमें तीन चार सिद्धांतों को हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे अहम कि पिछले 2 महीनों से कोविड महामारी के दूसरे लहर में जो हमारे शिक्षक साथीगण, अभिभावकगण, बच्चे सभी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उन सबके प्रति हमें संवेदना और उनके लिए जितनी प्रशासनिक मदद हो सकती है हमें उसमें अपना योगदान देना है। अगर कहीं हमारे शिक्षक साथीगण या उन हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, उनके परिवार अगर कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें हमारे खंड कार्यालय से, जिला कार्यालय, जिला प्रशासन से सामंजस्य स्थापित करते हुए उनकी मदद करना सुनिश्चित करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनका मनोबल ऊंचा रखना, उनके प्रति हमारी तत्परता दिखाना और उनको उनके साथ निरंतर संवाद स्थापित करते हुए कार्य करना है। और अगर कहीं पे कोई समस्या है तो उसको तुरंत सूचीबद्ध करते हुए उसके निराकरण के लिए आपको प्रयास करना है और प्रशासन के संज्ञान में तुरंत लाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही ये ऑनलाइन बैठकों का, ऑनलाइन मेंटरिंग का दौर चलेगा, उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। हमें ये एहसास है कि जितनी भी हम कोशिश करें, 100% बच्चों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, अभिभावकों तक हम लोग एंगेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी हम बच्चों के लर्निंग लॉस को मिटिगेट कर पाएंगे, उसमें उनके लिए सामग्री शेयर करते हुए उनके दक्षताओं में प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, उतना लाभदायक होगा और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि इस कठिन घड़ी में भी हम लोगों ने बच्चों का साथ छोड़ा और बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए विशेष प्रयास किए। और गत वर्ष की सीख में, गत वर्ष के आपके प्रयासों से काफी हमें सीख भी मिली है, काफी हम लोगों ने उसमें सुधार भी किया है, चाहे वो कंटेंट में हो, या चाहे वो प्रोसेस में हो, या रीच में हो, या सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियों में हो। और इसको अगर हम आगे बढ़ा लें तो मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ी उपलब्धियां हम हासिल कर पाएंगे और एक मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ पाएंगे। आपको ये भी विशेष रूप से ख्याल रखना है कि डेटा की ताकत को समझना है, ये पूरे सिस्टम को आउटकम आधारित बनाना है। आज आपके सामने असेसमेंट संबंधित भी प्रस्तुतिकरण हो रहा है, ये सब बहुत क्रूशियल है कि जब भी स्कूल खुलेंगे, शैक्षणिक कार्य प्रारंभ होंगे, बच्चे हमारे साथ बीच में होंगे, तो नियमित रूप से हमें बच्चों का आकलन करना है कि कहाँ वो हैं और वहां से उनको कहाँ पहुंचाना है। उस सफर को हमें कराने का पहला कदम वही होगा। तो नियमित रूप से हमें असेसमेंट करना है, उसके लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छे प्रशिक्षण, और उसमें हम लोग काफी उत्सुक हैं कि इस तरह की नई प्रणाली से जब हम असेसमेंट करेंगे, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, लर्निंग आउटकम्स को हम अद्यावधि रूप से ज्ञात कर पाएंगे, तब बच्चों को पर्सनलाइज लर्निंग करा पाएंगे, अभी उसी तरह ई पाठशाला का भी क्रियान्वयन कर पाएंगे, तो अभिभावकों को वो दिन दूर नहीं है अगर हम लोगों के प्रयास से सबसे दुरुस्त गांव में भी अभिभावक जान लें कि बच्चों के प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य के दक्षताओं को हासिल करने का मतलब क्या है, उसके अहमियत क्या है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और हर स्तर पर इसके बारे में
संवाद और इसके बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। हमको और आपको, जैसे मैं हम लोग निरंतर ये संकल्प लेते रहते हैं कि 1,80,00,000 बच्चों के लिए चैंपियन बनने का हमें अवसर मिला है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं कि हमारे SRG ERP साथियों के माध्यम से ये महत्वपूर्ण अभियान हम हासिल करेंगे और इसके लक्ष्यों को पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। अनेकों कारण से हम देखते हैं कि हमारे बच्चे दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, चाहे वो नियमित रूप से उपस्थिति के कारण हो या गरीबी के कारण हो या सामाजिक कारण से हो। लेकिन अगर सभी शिक्षकों ने अगर अपना मनोबल ऊंचा रखा, नेतृत्व प्रदान करने की मंशा ठान ली और निरंतर कैपेसिटी बिल्डिंग से क्लासरूम की पद्धतियों में सुधार हो, तो वो दिन दूर नहीं है कि सभी बच्चे हमारे ग्रेट कॉम्पिटेंट हो जाएंगे और उसके पश्चात उनके सपनों को और आगे जाके जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्वर्स के रूप में समाज के लिए उभर के आएंगे। एक चीज विशेष रूप से हमें फोकस करना है, जैसे हमने महसूस किया है हमारा गत वर्षों से सपना है कि यूपी के टीचर्स सबसे बेस्ट ट्रेन टीचर्स पूरे देश के हो जाएं और हर एक पहलू में, चाहे वो बुनियादी शिक्षा के टेक्निक्स हो, उपचारात्मक शिक्षा के टेक्निक्स हो या क्लासरूम पद्धतियां हो, इन सब में सारी जानकारी उनके पास रहें। हर एक तरह के सब्जेक्ट के लिए क्या बारीकियां हैं, नए मटेरियल को कैसे प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें उनको संज्ञान में हो जाएं। इसीलिए ये ब्लेंडेड अप्रोच से ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से आपको प्रशिक्षण किया जा रहा है और इस साल भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई विपरीत परिस्थिति के बावजूद। लेकिन ये सब में एक मुख्य धारा ये है कि बच्चे उन टीचर से नहीं सीख पाते जिनके साथ वो उनका एक व्यक्तिगत लगाव नहीं होता, रिश्ता नहीं होता। तो ज़रूरी है कि जितने भी प्रशिक्षित टीचर हों उनका मनोबल ऊंचा रहे, उनके मोटिवेशन अच्छा रहे, उनका मोराल अच्छा रहे और उनको पढ़ाने में और बच्चों के साथ अनुभव में बहुत मजा आ जाए। और वहाँ पे ARPs की मेंटरिंग केंद्रीय भूमिका निभाती है और हम चाहेंगे कि आप उसमें विशेष रूप से प्रयास करें, व्यक्तिगत रिलेशनशिप हर टीचर के साथ आपका रहे और कोशिश ये रहे कि उनकी समस्याओं को आप एक फ्रेंड की तरह, एक गाइड की तरह, एक मेंटर की तरह हल करा लें और साथ ही आप उनको जितने भी आपके अनुभव हैं, अभिनव प्रयास हैं, पीयर लर्निंग से जो आप लोगों ने समझा है, जो स्टेट की टीम और विशेषज्ञों ने और हमारी एकेडमिक टीम ने आपके साथ साझा किया है, LLF और शिक्षक विक्रमशिला जैसे अच्छी संस्थाओं के विशेषज्ञों ने आपसे शेयर किया है, वो बारीकियां आप उनके साथ शेयर करें। जरूरत पड़ने कभी कभी हो सकता है कि आपको बहुत पेशेंटली इसमें काम करना पड़ेगा, लोगों को बात सुनना पड़ेगा, पहले आपको उनको समझना पड़ेगा और उसके बाद अपेक्षा करें कि आप वो आपको समझें। लेट अस फर्स्ट लर्न टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये बस बहुत जरूरी है क्योंकि एक शिक्षक करीब 1,000 बच्चों के जिंदगी पे असर डालते हैं अपने एक करियर में, वो बहुत बड़ी संख्या है। तो कोशिश ये हो कि हम लोग शिक्षकों को इस तरह सशक्त बना लें, दक्ष बना लें और इस तरह उनका मनोबल रखें। इसलिए हमारा स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, उसके विभिन्न अंगों में अभी तक हम देख रहे हैं कि उसका एडॉप्शन कम है और ये इसके बारे में आज प्रस्तुतिकरण हो रहा है। मेरा ये दृढ़ संकल्प है और मानना है कि हर एक एजुकेटर आपकी तरह एक महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए पैदा हुए हैं। यू आर बॉर्न टू मेक अ डिफरेंस। तो मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह है कि इस कठिन घड़ी में हम इस शैक्षिक सत्र में ये कटिबद्ध प्रयास करें कि हमारे उत्तर प्रदेश के परिषदीय क्लासरूम्स देश के उत्कृष्ट क्लासरूम्स, रूपांतरित क्लासरूम्स, एकेडमिकली रिच क्लासरूम्स, एनर्जाइज्ड क्लासरूम्स, TLM रिच क्लासरूम्स के रूप में प्रदर्शित हों। हमारे उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सभी साथीगण बेस्ट ट्रेन्ड टीचर्स के रूप में उभर के आए और उसके परिणाम ये हो कि हमारे बच्चे सबसे ग्रेट कॉम्पिटेंट बच्चों के रूप में उभर के आए और समाज के अंतिम तत्व तक हम समावेशी शिक्षा, चाहे वो हमारे दिव्यांग बच्चे हों, आउट ऑफ स्कूल बच्चे हों या हमारी बच्चियां हों जो निरंतर भेदभाव का शिकार होते हैं, उनको हम मुख्य धारा से जोड़ते हुए बिना कोई भेदभाव के भयमुक्त वातावरण से उनके मूल दक्षताएं हासिल करा लें, जो हमारे प्रेरणा लक्ष्य का सपना है जिसमें हम लोगों ने सबने संकल्प लिया था कि उसको हासिल करेंगे,
उसको हासिल करने में कामयाब हूँ। इसी मंशा के साथ आज का सेशन हम कर रहे हैं। आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य है कि आपको रीओरियंट करें, आपको पुनः आपके साथ सीधा संवाद स्थापित करें, और उसके पश्चात आपके माध्यम से, आपके निरंतर ये ऑनलाइन सेशन का दौर जो शुरू हुआ है उसके माध्यम से, ई मेंटरिंग के माध्यम से हर शिक्षक तक पहुंच पाए, और उसके माध्यम उनके माध्यम से समुदाय तक, अभिभावक तक, बच्चों तक हम पहुंच पाए। इसी